मचा कर और एहतजाज करके एक एम्बुलेंस कोर्ट लखपत खड़ी करवाई थी कि मियां साहब को जो एंजाइना अटैक्स हो रहे हैं उसकी वजह से उनको जो मेडिसिन दी जा रही है तो उनके प्लेटलेट काउंट्स इतने नीचे हो सकते हैं, और उन्होंने ये पहले कहा था जिसकी वजह से एक एम्बुलेंस खड़ी की गई। और पिछले एक महीने से कोर्ट लखपत में वो एम्बुलेंस विड्रॉ कर ली गई और जो डॉक्टर्स वहाँ बिठाए गए थे उनको भी विड्रॉ कर लिया गया। जिस दिन डॉक्टर अदनान मियां नवाज शरीफ साहब को नैब कस्टडी में जा रहे थे, डॉक्टर अदनान ने नैब की अथॉरिटीज़ को कहा कि इनकी जो मेडिकेशन है उसके लिए इनकी तबीयत ख़राब है, इनके टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और इनको मॉनिटरिंग में रखना बहुत ज़रूरी है। और हफ्ते को 16 अक्टूबर को डॉक्टर अदनान ने ख़त लिखा नैब को कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके टेस्ट करने दें। उनका टेस्ट हुआ और कल 4 बजे जैसे एहसन इकबाल साहब ने कहा, ये डॉक्टर अदनान ने उनका टेस्ट लिया और 7:30-8 बजे ये रिपोर्ट शेयर कर दी गई थी, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी है, हुसैन नवाज शरीफ साहब ने भी शेयर कर दी गई है। और उसके बाद फिर नैब ने अपनी एक और डॉक्टर की टीम बुलाई जिन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुआयना किया और उसके बाद 12 बजे उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। ये जो गफलत है ये सिर्फ इमरान साहब के हुक्म के ऊपर हुई, और ये तमाम रवैया जो मुजरमाना रवैया है, जो एक बेहिसी की जहनियत की अकासी करता है, ये सिर्फ इमरान साहब के हुक्म के ऊपर हो रहा है। और उसके ऊपर किराए के तर्जुमान अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपनी नौकरियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा जब वो बीमार थी उस वक्त कहा कि वो ड्रामा हो रहा है और वो बीमार नहीं है। ये इन्होंने ऐसी सोसाइटी बना दी है जहां मरना पड़ता है ये यकीन दिलाने के लिए कि बीमारी है असल में। उसी तरह के बयान आ रहे हैं। ये अपनी किराए के तर्जुमानों की जबान बंदी कर लें, क्योंकि हमारे जो इस वक्त कारकुन हैं उनके जज्बात बहुत ऊपर जा चुके हैं और इस तरह के बयान इंतशार और अफरा तफरी फैलाएंगे। इसलिए मैं ये मुतालबा करती हूँ, एक तो नैब की जबान बंद हो, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के सिर्फ वो बयान आए। इस वक्त 2000 प्लेटलेट काउंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हो गया, और आप सबका मैं मीडिया का भी शुक्र अदा करती हूँ कि जिस तरह उन्होंने शुक्रिया अदा करती हूँ कि कल उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे जब ये खबर आई और उसके बाद ये तमाम हाथ पांव फूले नैब के और हुकूमत के, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को शिफ्ट किया। और एक तरफ नवाज शरीफ साहब को अस्पताल ले जाया जा रहा था और दूसरी तरफ रावी टोल प्लाजा पे कैप्टन सफदर साहब को गिरफ्तार किया गया, जिसकी हम सब मुजम्मत करते हैं और भरपूर एहतजाज करते हैं। और उनकी FIR में इल्ज़ाम क्या है कि उन्होंने कहा है कि हुकूमत के खात्मे तक बाहर निकलें। ये तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है, ये तो 16 MPO पूरे पाकिस्तान पर लगनी चाहिए जो कह रहे हैं कि ये नालायक और ना अहल हुकूमत जो है इसको अब घर जाना है, इस सिलेक्टेड वजीर आजम को अब घर जाना है, ये लाइन है। तो मैं इमरान साहब को सिर्फ चंद जुमलों में वो वक्त याद कराना चाहती हूँ कि उस अगर हेट स्पीच पे गिरफ्तारी होनी है तो सबसे पहले इमरान साहब की होनी चाहिए। और वो क्यों, कंटेनर पर खड़े होकर मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीट दो, सिविल नाफरमानी का नारा, हुंडी के जरिए पैसे पर मंगाओ, मार दो, घसीट दो, जला दो। हर रोज पाकिस्तान को बंद करने की तारीख आती थी, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की तारीख आती थी, और आज तक कंटेनर की गुफ्तगू है। तमाम लोटे कराए के तर्जुमान, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं है, ये आमराना सोच और फस्ताई सोच की काबीना और वजीर आजम है। और इससे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि एक तो उनको अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया रिमांड के लिए, उनको कहाँ रखा गया है, क्योंकि अब ये अरेस्ट नहीं है, अब ये कानूनी मुकदमे नहीं है, अब ये अगवा किए जा रहे हैं सियासी मुखालफीन, क्योंकि अभी तक उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। और अगर उनको भी कुछ हुआ और किसी उनको फौरन अदालत में पेश किया जाए और कानून के मुताबिक उनको कोई भी कार्रवाई करनी की, और ये इस किस्म के होछे इल्जाम, झूठे इल्जाम लगाकर आप किसी को इस तरह अगवा नहीं कर सकते। आखिर में मैं पाकिस्तान की कौम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा कि उनकी तबीयत जो मियां नवाज शरीफ साहब की है वो स्टेबल हो रही है, और फौरी तौर पर मुतालबा करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज को एक्सेस दी जाए डॉक्टर अदनान को उनको मिलने की। डॉक्टर्स उनका मुआयना कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट फैमिली से शेयर नहीं की जा रही, कोई बच्चों से शेयर नहीं की जा रही, कोई डॉक्टर अदनान से रिपोर्ट शेयर नहीं की जा रही। फौरी तौर पे डॉक्टर, और जिस वक्त हालात खराब हो जाते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, फिर ये तमाशे करते हैं किराए के तर्जुमान, और फौरी तौर के ऊपर एक्सेस दी जाए डॉक्टर अदनान को मरियम नवाज से मिलने। आप बताएं किसका सवाल है? जी आप
मैंने ये पूछा कि आप जो सरसद हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, आप सेटिस्फाई हैं उससे या समझते हैं कि किसी और जगह या पाकिस्तान से बाहर उनका इलाज होगा? देखिए, मैं भी सर्विसेज हॉस्पिटल में मेरा भी सर्जरी हुई थी और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो भी पाकिस्तान के अच्छे मुआलिज हैं उनको वहां पर मुहैया किया जाएगा और ख़ास तौर पे जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं उन्हें तमाम उनके इलाज के साथ मुंसलिक रखा जाए ताकि उनकी फैमिली की तसल्ली होना बहुत ज़रूरी है और इस वक्त उनकी फैमिली बहुत प्रिटर्ब्ड है। उनकी बेटी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा और मैं ये भी मुतालबा करूंगा कि मरियम नवाज साहिबा को इजाज़त दी जाए कि वो अपने वालिद के पास आ सकें, उनसे मुलाकात कर सकें और उनके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर है वो उन्हें फराहम की जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क का असासा है, वो करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं, वो मकबूल तरीन रहनुमा हैं, वो आज भी हर सर्वे के अंदर पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा है, बहुत करोड़ों लोगों की उनके साथ मोहब्बत है। तो इस तरह का जो सलूक किया जा रहा है वो पाकिस्तान के अवाम के अंदर बहुत बेचैनी पैदा कर रहा है, इसलिए मैं हकूमत को एक दफ़ा फिर मुतनबे करना चाहता हूँ कि किसी किस्म की अगर लग्जिश हुई तो अवाम माफ़ नहीं करेंगे। मैं इसके साथ ये भी आपको कहना चाहता हूं कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उनका भी मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है और हमें गैर मुसद्दका इतलात मिली हैं जिसमें डॉक्टर्स ने उनकी मेडिकल कंडीशन पे तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में उन्हें रखा गया है और उनकी फैमिली बार बार उस मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी मांग रही है लेकिन उनकी फैमिली को भी वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही जो कि उनका फंडामेंटल राइट है। ये गैर इंसानी सलूक, ये गैर इंसानी रवैये किसी भी महज़ब माशरे के अंदर देखे नहीं जाते। मुखालफत होती है लेकिन उस मुखालफत के कुछ हदूद और कयूद होते हैं, लेकिन अगर आप फस्ताइयत पे उतर आए तो माफ कीजिए, ये पाकिस्तान कोई अफ्रीका का मुल्क नहीं है। यहां पे बड़े बड़े डिक्टेटर आए, पाकिस्तान के अवाम ने उनके बुर्ज भी उखाड़ के फेंक दिए। तो इमरान अहमद नियाजी तो एक टेस्ट ट्यूब हुकूमत है, ये तो इसकी कोई जड़े नहीं है, इसको तो मुसल्लत किया गया है। अगर अवाम इसके खिलाफ उठ खड़े हुए तो ये तो कहीं नजर भी नहीं आएगा इस हुकूमत का वजूद। तो लिहाजा इनको उतना ही जुल्म करना चाहिए जितना ये बर्दाश्त कर सकें। बाकी जो आपने आज़ादी मार्च की बात की उस हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने कायद नवाज शरीफ साहब की हदायत की रोशनी में अपना प्रोग्राम दे दिया है। 27 अक्टूबर को हम भरपूर तरीके से यौम कश्मीर मनाएंगे, यौम सयाह मनाएंगे और यौम मुजम्मत बनाएंगे और कश्मीर के अवाम के साथ मुल्क गिर मुस्लिम लीग नून की रैलीज होंगी, इज्तमात होंगे ताकि हम ये पैगाम कश्मीर के लोगों को दे सकें कि पूरी कौम आपकी पुश्त के ऊपर खड़ी है। 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च में जैसे दीगर सियासी जमातें जो अपोजिशन की हैं उन्होंने फैसला किया है कि वो 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करेंगी, उस तरह हम भी उसमें शरीक होंगे और ये अब अवाम जो है वो इस हकूमत के खिलाफ बिफर चुके हैं। और मैं हकूमत को एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि वो किसी जिद पे ना अड़े, वो राइटिंग ऑन द वॉल देखे, वो दीवार पे ये देखे कि पाकिस्तानी अवाम अब इस हकूमत के खिलाफ जिसने उन्हें महंगाई दी, जिसने उन्हें गुर्बत बेरोजगारी दी, वो अब बिफर चुके हैं। लिहाजा इस हकूमत को नए इंतखाबात की राह हमवार करनी चाहिए और 2020 के अंदर नए इंतखाबात ही पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हकूमत इतमाद खो दे वो सोने की भी होके आ जाएगी, अब लोग उस पर इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो भाग गए हैं, कारोबार बंद हो गया है,
اس حکومت کے یو ٹرنز کی ریپوٹیشن نے اس حکومت پہ اعتماد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ختم کر دیا ہے. تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ یہ حکومت اگلے سال آزاد منصفانہ انتخابات کے لیے بات چیت کرے. اگر وہ اس پہ تیار ہے تو یقیناً اپوزیشن جماعتیں اس تجویز پہ غور کر سکتی ہیں, اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ عوام کے سونامی سے ٹکرانے کے لیے تیار رہے. دیکھیے, ابھی تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جو مرحلہ درپیش ہے وہ جناب نواز شریف صاحب کی صحت کی جو ایمرجنسی ہوئی ہے اس کی سٹیبلائزیشن ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ انہیں جو کارڈک پرابلمز لاحق ہیں وہ سب بہت سیریس ہیں. اور آج ایک شخص جو 70 سال کی عمر میں ہے, 2 بائی پاس ہو چکے ہیں, 7 سٹنٹ ہیں, اس کو کڈنی فیلئر کا خطرے میں وہ مبتلا ہے, لاسٹ سٹیج ہے کڈنیز کی بھی, تو اس حوالے سے ان کو جس علاج کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے ان کی بیل اپلائی کی تھی, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک انہیں انصاف نہیں مل سکا. چونکہ نواز شریف صاحب کسی جرم کے قیدی نہیں ہیں, وہ عمران خان کے انتقام اور اپنے سیاست اور نظریے کے قیدی ہیں جن کی سزا مل رہی ہے انہیں, اور یہ ان کا حق ہے کہ انہیں, اور ہمارا حق ہے کہ اپنے قائد کے بہترین علاج کے لیے انہیں رہائی ملے. اور میں مطالبہ کر